की जीत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों से लोग प्रभावित हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि रामपुर में आजम खान का कोई प्रभाव नहीं है, वहां भाजपा को जीत हासिल होगी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि आजम खान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लिए जो टिप्पणियां करते हैं, राजनीति में ऐसी व्यक्तिगत आलोचनाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, आप तो दोनों जगहों पे होके आए हैं, क्या स्थिति है बीजेपी की? क्योंकि समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आजमगढ़ और रामपुर दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। आम जनमानस का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग घरों से निकल करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ रहे हैं, मीटिंगों में आ रहे हैं। जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं घर घर पहुंची हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोनों लोकसभा सीटों का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। अभी हाल में ही विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ है, आजमगढ़ में बीजेपी का क्लीन स्वीप हुआ था। आप जानते हैं कि किस ढंग से समाजवादी पार्टी और उनके लोगों ने मिलकर के जो दुष्प्रचार किया था, उत्तर प्रदेश के लोगों ने आंखें खोल दी हैं। अब आजमगढ़ की जनता हो या रामपुर की जनता, वो मानते हैं केवल भाजपा ही उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास कर सकती है। रामपुर में हमने देखा कि आजम खान बहुत सक्रिय हैं, 27 महीने जेल से बाहर निकलने के बाद आए हैं और वो विक्टिम की तरह अपने आप को पेश कर रहे हैं। वो वहीं के रहने वाले हैं और वहीं रहने वाला आदमी तो सक्रिय दिखेगा ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के जनता के बीच में घर घर जाने का काम कर रही है। हम लोगों को बता रहे हैं कि यूपी में कानून का राज स्थापित करना है तो भाजपा को जिताना होगा। गरीब कल्याण की योजनाएं जो चल रही हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सारे लोग खुल करके समर्थन में आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अर्शद के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। और आगे बढ़ते हैं, रामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी के पक्ष में बिलासपुर में चुनाव प्रचार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी